हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट्स के बारे में जो हमें कार्स पे मिल रहे हैं इस मंथ अगस्त में, पर ये अभी सिर्फ एप्लीकेबल इसी मंथ में हैं क्योंकि अभी आगे का कुछ मालूम नहीं है कि आगे ये ऑफ़र्स और डिस्काउंट्स मिलेंगे कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर वीडियो के शुरुआत करने से पहले प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, इधर ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं क्योंकि सबकी सेल्स डाउन हो चुकी है पहले से। तो अब जब इनकी कार्स की सेल्स डाउन हो चुकी है तो कंपनीज ने तरह तरह के डिस्काउंट्स और ऑफर्स दे दिए हैं ताकि इनके कार्स की जो सेल्स है वो फिर से बढ़ जाए। तो देखते हैं कि कौन कौन सी कारों पे अच्छे अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको 10 कारों के नाम बताऊंगा जिन पे अच्छे अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। पर आप एक चीज़ ज़रूर जान लीजिए, इस समय कोई ना कोई भी कार हो, वो चाहे कोई भी कार है, उस पर कोई ना कोई ऑफ़र और डिस्काउंट चल ही रहा है इस टाइम, क्योंकि सेल्स बहुत अच्छी खासी डाउन हो चुकी है पहले से। और हाँ, आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डिस्काउंट्स और ऑफ़र्स दिए जा रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि डिस्काउंट्स एक तो पहले कंपनी, जो कार कंपनीज होती हैं वो देती हैं, और कुछ डिस्काउंट डीलर अलग से अपने लेवल पे देता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हों वहाँ अलग अलग डिस्काउंट्स और ऑफ़र्स चल रहे हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा पहले 10th कार से। तो 10th कार रहने वाली है महिंद्रा की KOV 100NXT, जिसपे चल रहा है 69,000 का डिस्काउंट। और अगर हम बात करें इसमें कैसे कैसे बटा है डिस्काउंट, तो आपको मैं बता दूं कि 35,000 का कैश डिस्काउंट चल रहा है, 5,000 की एक्सेसरीज फ्री मिलेंगी और 29,000 का एक्सचेंज बोनस मिलेगा इस कार के साथ। अगर आप कोई भी कार एक्सचेंज करते हैं इस कार से तो उस पर आपको 29,000 का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। तो ये सब टोटल मिला के हो जाता है कुल 69,000 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिल जाता है इस कार पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो 9th पोजीशन पे आई है महिंद्रा ही की कार TUV 300। तो TUV 300 पे जो डिस्काउंट चल रहा है इस समय वो 72,000 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है, पर ये सिर्फ ओल्ड मॉडल ही पे ही एप्लीकेबल है। जो इसका फेसलिफ्टेड मॉडल आया है उस पर नहीं। अभी हाल ही में TUV 300 का एक नया फेसलिफ्टेड वर्ज़न आया है, पर उस पर कोई भी ऑफ़र्स हम लोग को नहीं मिलेंगे। ऑफ़र्स सिर्फ पुराने, जो इससे पहले वाले ओल्ड स्टॉक जिनका था, ओल्ड मॉडल जो था उसी पर ही मिल पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं 72,000 रुपीज़ का जो डिस्काउंट मिल रहा है हम लोगों को, तो उसमें किस तरीके के डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो वो बात कर लेते हैं। तो पहला तो कैश डिस्काउंट हम लोग को मिल रहा है जो है 52,000 रुपीज़ का, और फिर जो इसमें एसेसरीज जो फ्री मिल रही हैं वो है 5,000 रुपीज़ की, और एक्सचेंज बोनस इसमें 15,000 का ही मिल रहा है हम लोगों को। और अगर हम लोग बात करें TUV के दूसरे मॉडल के, तो TUV का एक और मॉडल आता है, उसका नाम है TUV 300+, जो थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्ज़न है TUV का। तो अगर हम उस पर डिस्काउंट के बारे में बात करें तो उस पर इस समय चल रहा है कुल मिला के 55,000 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो 8th पोजीशन पे रहने वाली है निसान की सनी। तो इस पर अगर हम लोग टोटल डिस्काउंट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट हम लोग को मिल रहा है 75,000 रुपीज़ का, जिसमें से 45,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट है और 30,000 रुपीज़ का एक्सचेंज बोनस है। पर इसके ऊपर तो और ज़्यादा डिस्काउंट होना चाहिए था क्योंकि इस पर इसकी जो सेल्स है वो बहुत ही डाउन रहती है, और इसकी सेल्स फिगर को अगर आप देख लेंगे तो आप सोचेंगे कि ये कार तो एकदम बिकती ही नहीं है, ना के बराबर ही बिकती है। तो मेरे ख्याल से इस पर और ऑफ़र्स और डिस्काउंट्स देने चाहिए थे कंपनीज को। तो 7th पोजीशन पे रहने वाली है Hyundai की ग्रैंड i10। तो ये कार के ऊपर तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र लगे कि इसके जो ऑफ़र और डिस्काउंट मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे ही मिल रहे हैं। इस पर अगर डिस्काउंट की बात कर लें तो इस पर टोटल 90,000 to 1,00,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ, इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है इस कार पे, क्योंकि अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपको ये 7 लाख रुपये की तकरीबन गाड़ी पड़ती है, तो आप अगर डिस्काउंट उसमें से माइनस कर लें 90,000 to 1,00,000 रुपीज़, तो आराम से ही आपको 6 लाख रुपीज़ तक गाड़ी पड़ सकती है। तो चलिए बात करते हैं इसमें किस किस तरीके के डिस्काउंट हैं, जिसमें से 60,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट है और 30,000 रुपीज़ का एक्सचेंज बोनस है। और ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना कम करा सकते हैं डीलर से। तो 6th पोजीशन पर रहने वाली है Hyundai की एक्सेंट। तो इसमें अगर हम लोग डिस्काउंट की बात करें तो इसमें टोटल 95,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है, अगर हम लोग देखें मैक्स टू मैक्स। हाँ, तो इसमें 95,000 का मिल ही जाता है, जिसमें से 60,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट मिलता है और 35,000 का एक्सचेंज बोनस मिलता है। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि आपको एक नई कार लेनी है, जैसे मान लीजिए आपको Hyundai एक्सेंट ही लेनी है और आपको उसमें एक्सचेंज बोनस भी लेना है 35,000 का, तो आपको अपनी ओल्ड कार
बेचनी है। तो ओल्ड कार जब आप अपनी वैल्यूएशन कराएंगे तो जो उसकी फाइनल प्राइस जो मिल रही होगी, तो उसमें मान लीजिए जैसे एक्सचेंज बोनस है 35,000 रुपीज़ का, तो वो ऐड हो जाएगा आपकी फाइनल वैल्यू से। और जितना होगा, तो जैसे आपको कार जैसे आप एक्सटेंड ले रहे हैं, तो उसमें से वही जितना पूरा टोटल वैल्यूएशन जो होगा वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये होता है एक्सचेंज बोनस। बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो फिफ्थ पोजीशन पे है रेनॉल्ट की डस्टर। तो रेनॉल्ट डस्टर का भी फेस लिफ्टेड वर्जन आया है। तो इसमें जो ऑफर्स और डिस्काउंट्स मिल रहे हैं वो फेस लिफ्टेड वर्जन पे नहीं है, वो इसके पुराने मॉडल्स पे हैं। नए मॉडल पे कोई भी डिस्काउंट्स और ऑफर्स नहीं है। तो इस पे टोटल मिल रहा है हम लोगों को 1,00,000 रुपीज़ का मैक्सिमम डिस्काउंट, जिसमें से 50,000 रुपीज़ का सीधे सीधे कैश डिस्काउंट है और 50,000 रुपीज़ का एक्सचेंज बोनस है। तो मान लीजिए ये 50-50 कर दिया है कंपनी ने। तो चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो फोर्थ नंबर पे रहने वाली है हम लोग की होंडा की BRV। तो होंडा BRV है एक 7-सीटर कार, और अगर हम लोग डिस्काउंट्स और ऑफर्स की बात करें तो इसमें टोटल मिल रहा है हम लोग को 1,09,500 रुपीज़ का डिस्काउंट, जिसमें से 33,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट है, 50,000 रुपीज़ का एक्सचेंज बोनस है और 26,500 रुपीज़ की एसेसरीज मिल रही हैं फ्री। थर्ड पोजीशन पर रहने वाली है टोयोटा की यारिस, जिसमें हम लोग को 1,95,000 रुपीज़ का टोटल डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसमें से अगर हम लोग देख लें तो 1,25,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट है और 50,000 रुपीज़ का कॉरपोरेट डिस्काउंट है और 20,000 रुपीज़ का एक्सचेंज और रॉयल्टी बोनस है। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन से मॉडल पे हम लोगों को ये डिस्काउंट्स और ऑफ़र मिलेंगे, तो इस पे हम लोग को जो 2018 के जो मैन्युफैक्चर मॉडल होंगे उसी पे 1,95,000 रुपीज़ का ऑफ़र ये एप्लीकेबल होता है। अगर हम लोग बात करें लॉयल्टी बोनस की, तो लॉयल्टी बोनस जो इसमें 20,000 रुपीज़ का मिल रहा है, तो इसमें एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि जब आप कोई अपनी ओल्ड टोयोटा कार, जब मतलब आपके पास पहले से टोयोटा गाड़ी है, तो आप जब उसको एक्सचेंज करेंगे अपनी नई यारिस से, तभी आपको 20,000 रुपीज़ का एक्सचेंज बोनस ही मिल पाएगा। और हाँ, अगर आपको 2019 मैन्युफैक्चर टोयोटा यारिस चाहिए, तो उस पर डिस्काउंट टोटल मिलेगा 70,000 रुपीज़ का, तो जिसमें से 30,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट है, तो 30,000 रुपीज़ का कॉरपोरेट डिस्काउंट है और 10,000 रुपीज़ का एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बोनस है। सेकेंड पोजीशन पर रहने वाली हुंडई की इलेंट्रा, जो है प्रीमियम सेडान हुंडई की तरफ से। और इसमें अगर आपको डिस्काउंट की बात बताऊँ, तो डिस्काउंट इसमें मिलता है टोटल 2,00,000 रुपीज़ का डिस्काउंट। जी हाँ, इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। और अगर हम लोग कैश डिस्काउंट की बात करें, तो कैश डिस्काउंट इसमें मिलता है 1,25,000 रुपीज़ का। तो आप ये देख सकते हैं कितना डिस्काउंट इस कार पे मिल रहा है, और 75,000 रुपीज़ का एक्सचेंज बोनस भी मिल जाता है। और हाँ, इस कार के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हुंडई की ही कार एक्सचेंज करनी पड़ेगी, तब आपको 75,000 रुपीज़ का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी कार एक्सचेंज कर सकते हैं इस कार से। अब बात करते हैं उस कार की जिस पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिलने वाला है। तो फर्स्ट पोजीशन पर रहने वाली है होंडा की CRV। जी हाँ, इस कार पे पूरा 4,00,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। और गजब की बात तो ये है कि 4,00,000 रुपये का जो डिस्काउंट है, उसमें से हम लोग को 4,00,000 रुपीज़ पूरा, मतलब 4,00,000 रुपये पूरा कैश डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ, इस पे इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसी कार पे है, मतलब सारी कारों में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इंडिया में इस समय इसी कार पे है। तो ये होता है एकदम रियलिस्टिक डिस्काउंट। तो अगर हम लोग बात करें, तो ये कार तो आप सोच रहे होंगे कि ये कार वर्ल्ड टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स में आती है, तो ये इतनी ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये कार इंडिया में नहीं बिक रही है। तो जी हाँ, ये कार इंडिया में, इस कार की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, ये यहाँ पे ज़्यादा सेल्स एकदम ही नहीं कर पा रही है, तभी ये इतना सारा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पर उससे पहले, जाने से पहले, प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।